This is the bag, guys. Zara. Zara. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. आज कुछ भी fancy सा कपड़ा नहीं है, ये loose oversized t-shirt पहना है मैंने, क्योंकि मुझे बिल्कुल मन नहीं था पहनने का ऐसा कुछ uncomfortable सा. मुझे ऐसा comfy चाहिए था और थोड़ा सा मैंने makeup कर लिया है, blush थोड़ा ज़्यादा हो गया है, but it's okay. टाइटल से आप सबको पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ हॉल वीडियो. अजीब सा कॉम्बिनेशन हॉल करने जा रही हूँ मैं. आई डोंट थिंक किसी ने ऐसा हॉल किया होगा, बट बेसिकली आई एम गोइंग टू डू ज़ारा हॉल विद मिनीसो हॉल. ज़ारा एंड मिनीसो हॉल. रिसेंटली आई वेंट अ मॉल एंड वहाँ पे मैंने ज़ारा से कुछ शॉपिंग की है एंड कुछ शॉपिंग मैंने मिनीशो से की है. तो ऐसा हुआ ऐसा ना कि ज़ारा से मैंने बहुत कम चीज़ें ली हैं जो हॉल बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है. सो साथ में मैंने मिनीशो से भी कुछ क्यूट सी चीज़ें ली हैं, छोटी. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं दोनों का कॉम्बिनेशन हॉल कर दें. इसका कुछ ऐसा मतलब नहीं है क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें थी. इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि वीडियो एटलीस्ट थोड़ी 7-8 मिनट की तो होनी चाहिए. सो इसके लिए मैं ये दोनों हॉल साथ में कर रही हूँ और इसका कुछ ऐसा लॉजिक कोई ऐसा मतलब नहीं है. बट या आपको मज़ा आने वाला है वीडियो देख के. बेसिकली मैं वहाँ से परफ्यूम लेने गई थी. पहले भी मैंने ज़ारा की परफ्यूम यूज़ करे हैं, अच्छे होते हैं, रीज़नेबल भी हैं. बट परफ्यूम के साथ साथ मुझे एक दो चीज़ें जो थोड़ी रीज़नेबल थी वो मुझे पसंद आ गई, सो मैंने उठा लिया. एंड साथ में मैंने मिनीशो से लिया है, वो ज़रूरत की चीज़ें हैं मेरी. दिस बैग इज़ फ्रॉम मिनीशो. इस बैग पे इनका कुछ ऐसा लोगो वगैरह नहीं होता है. एंड दिस इज़ फ्रॉम, पहले आप क्या देखना चाहते हो? ओके, ज़ारा. Let's start with Zara. So now without further talk, let's get into the video. So let's start with Bob. Look at this beauty. So my very first purchase is this. This is a jeans, straight fit jeans. ज़ारा के जींस, ओ माई गॉड, बहुत ही अच्छे होते हैं. दिस इज फ्रॉम ज़ारा. और गाइस, ओरिजिनल ज़ारा का है ये, हाँ, कॉपी वॉपी नहीं है. लुक एट दिस जींस, ये स्ट्रेट फिट जींस है. एंड लुक एट द कलर, दिस इज़ अ वेरी लाइट स्काई ब्लू कलर का जींस है. एंड मुझे ना, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे ज़ारा की साइज़ों के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे फिट होता कि नहीं. मुझे समझ में नहीं आती उसकी साइज़ें. एक्चुअली अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उसकी साइज़ का क्या है. मतलब अजीब है. इसमें मैंने लिया है 36 साइज़ और मैं 28 पहनती हूँ और मैंने 36 लिया है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसकी साइज़. इसलिए मैं स्टोर में गई थी लेने, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी से पूछूं कि साइज़ का क्या इशू है. सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन, अगर किसी को ज़ारा के बारे में आइडिया है तो मुझे बताना कि साइज़ का क्या है उसके. सो ये जींस की प्राइस थी 2,890 रुपये, ऑलमोस्ट 3,000 की जींस है ये. ऑफकोर्स प्राइस ज़्यादा है, बट जींस बहुत प्यारा है. मतलब बहुत, आपको पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगा. अगर आपके आसपास ज़ारा का स्टोर है तो प्लीज़ जाओ और इसको चेकआउट करो. बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने आज तक ये 3-4 बटन वाली जींस कभी नहीं पहनी है. दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट परचेस जिसमें 3-4 बटन्स हैं. तो मुझे आइडिया नहीं था ये कैसा लगने वाला है, बट पहनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था. बिल्कुल भी वो छपरी वाला वाइब नहीं दे रहा है. ऑफकोर्स यार, 3,000 की जींस है और फिटिंग इसकी आपको ट्राई ऑन वीडियो में दिख रहा होगा कि कितनी प्यारी फिटिंग है इसकी. एंड इसका फ्लेयर एंड ये स्ट्रेट फिट, ओ माई गॉड, राइट नाउ आई एम इन लव विद दिस जींस.
मैं इसको बहुत ज़्यादा पहनने वाली हूँ। सबके पास कोई ना कोई एक ऐसा कपड़ा होता है जिसको वो बहुत पहनते हैं, मतलब जब तक उसकी जान नहीं निकाल लेते तब तक वो पहनते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस जीन्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम। लुक एट द जीन्स यार, फैब्रिक ना इतना सॉफ्ट है, मतलब इतना सॉफ्ट है। आपने देखा होगा ना जीन्स की फैब्रिक एकदम जाड़ी मोटी मोटी रहती है, बट ज़ारा में भी वैसी जीन्स थी, बट ये वाली जो है फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बॉडी पे ऐसा फिट आएगा ना आपको, मज़ा आ जाएगा मतलब पहन के। सो दिस वॉज माई फर्स्ट परचेज एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज। वर्थ द मनी गाइज, वर्थ द मनी। अगर आप अभी जाओगे ज़ारा स्टोर में आपको शायद ये जीन्स मिल जाएगी। बाहर बारिश का मौसम है पूरा पूरा, एंड बारिश होने वाली है इसलिए लाइट थोड़ी सी कम है क्योंकि धूप नहीं है, कचरा है। सो ये क्यूट सा छोटू सा स्पेगेटी टॉप है, बेज कलर का है, स्किन कलर का बिल्कुल स्किन कलर नहीं है, बेज और स्किन कलर का मिक्स है। बहुत सॉफ्ट है फैब्रिक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड ये रिब बोलते हैं ना वैसा है, छोटी छोटी इफ यू कैन सी यहाँ पे लाइनिंग है नीचे ना, ये थोड़ी सी ऐसे डिज़ाइन दी हुई है। और पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल फिट, बहुत अच्छा है। आई नो कि आपको बाहर भी इससे कम प्राइस में अच्छा स्पेगेटी टॉप मिल जाएगा, बट इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। इसकी प्राइस इस पर मेंशन नहीं, तो मैं आपको बिल देख के प्राइस बताती हूँ कि ये स्पेगेटी कितने का था। 700 का, या 200 रुपए का आपको बाहर मिल जाएगा आई नो, बट बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा फैब्रिक है। लुक एट दिस, मुझे ना ऐसे स्लीवलेस और ऐसे रिप्ड ये स्पेगेटी टॉप्स बहुत पसंद है, मेरे पास है बट वो 200 रुपए के हैं। पहली बार मैंने कोई स्पेगेटी टॉप 700 का लिया है, 700 का, बट गाइज वर्थ द मनी। ये तो आपको ज़ारा में हर वक्त अवेलेबल रहता है, कभी भी मिल जाएगा, बट जीन्स जो आपने मैंने आपको दिखाई ना, वो जीन्स वो चेंज करते रहते हैं सब चीज़ें, बट अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल था, तो अभी आप जाके वहाँ से ले सकते हो। आई डोंट नो कि ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं है, बट दिस वॉज सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड जिसके लिए मैं ज़ारा गई थी, दिस इज द परफ्यूम। इसके पहले मैंने ज़ारा का एप्पल जूस परफ्यूम यूज़ किया है। बेस्ट चीज़ क्या है पता है, इस टाइम ज़ारा पे परफ्यूम, उनके परफ्यूम्स पे सेल चालू है, तो ये मुझे कॉम्बो में मिला है 1-2। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 1790 रुपये और मुझे मिला है ये 890 रुपये का। कैन यू बिलीव, 890 रुपए का। एक्चुअली मैं एक लेने गई थी, बट जब मुझे फ्रेग्रेंस उसका बहुत पसंद आया तो मैंने ये दो ले लिया। चलो मैं आपको परफ्यूम दिखाती हूँ। फर्स्ट इज दिस, लुक एट द बॉटल, एंड सेकंड इज दिस, फेम एंड न्यूट, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम, एंड ये दो मुझे इसमें मिला था कॉम्बो में। सो इसमें इसका जो शेड है, यू कैन से इसका नाम है, वो है ज़ारा वीकेंड 04। एंड चलो अभी फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, तो ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता हाउ टू एक्सप्लेन अबाउट फ्रेग्रेंसेस, बट आई कैन से अमेजिंग, दिस डिवाइन गाइस, वाओ, just go for it and you going to love this perfume, this is amazing। अगर आपने ज़ारा का एप्पल जूस यूज़ किया है तो सेम नहीं है बट सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, वाओ अमेजिंग। वो स्वीट स्वीट सा माइल्ड फ्रेग्रेंस है,
बहुत अच्छा है, बट एक प्रॉब्लम है कि जो मैंने ज़ारा का एप्पल जूस यूज़ किया था उसका जो लास्टिंग है ना, दैट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, बट काफ़ी टाइम तक आपको वो फ्रेग्रेंस की ना भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी जब आप उसको वेयर करोगे परफ्यूम को. बट वाओ, आई मीन बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज. डेफिनेटली डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, यू गोइंग टू लव दिस, लव 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 दिस. इसका जो कैप है वो ब्लैक है एंड दिस वाइट. सो ये हमने ट्राई किया, नाउ लेट्स ट्राई दिस वन. सो इसका नाम है ज़ारा ड्रेस टाइम 03. लुक एट दिस ब्यूटी, बॉटल कितनी प्यारी है यार. जो ज़ारा का एप्पल जूस है ना उसकी भी बॉटल सिमिलर है, वो भी बहुत अच्छा परफ्यूम है, आप उसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. सो ओके, अच्छा इसका कॉम्बिनेशन इससे है, जो इसका नाम है ना फेम एंड फेम एंड न्यूट. सो इसमें दिस वन इज फेम एंड दिस इज न्यूट, ऐसा है. ओके सो ये हमने ट्राई किया, अभी हम ये ट्राई कर रहे हैं न्यूट ड्रेस टाइम 03. वाओ, वेरी नाइस एंड माइल्ड फ्रेग्रेंस. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. Wow, I don't know guys, I don't know how to explain, but very nice, very nice. Wow, अलग ही खुशबू, अलग ही fragrance है यार, इतना fresh और इतना mild, इतना sweet फ्रेग्रेंस है ना, बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं है. पता है बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है ना तो बहुत ऐसा दिमाग पे चढ़ने लगता है, वैसा भी नहीं है. स्ट्रॉन्ग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है परफ्यूम. गर्ल्स गो फॉर दिस परफ्यूम, दिस इज़ अमेजिंग. मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट वर्थ 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 वर्थ, वेरी वेरी नाइस परफ्यूम. मेरे पास एक्चुअली परफ्यूम के कलेक्शंस अभी बढ़ गए हैं, सो मैं एक वीडियो परफ्यूम पे बनाने वाली हूँ. ओके ओके, हाईली रिकमेंडेड. लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है वो बाद में पता चलेगा, बट अभी तो बहुत. तो ज़ारा ख़त्म हो गया है, देखा तीन ही चार चीज़ें ली थी मैंने ज़ारा से. अभी मैं आपको बहुत प्रिटी, यार ये साउंड बंद कर दो भैया. अभी मैं आपको मिनिसो की चीज़ें दिखाने वाली हूँ. मीशो मिनिसो बहुत सिमिलर लग रहा है मेरे मुँह से, कभी मीशो निकल जाएगा गलती से और मुझे ध्यान नहीं आएगा तो प्लीज़ माफ़ करना मुझे. तो मुझे, मैं आपको बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें दिखाने वाली हूँ मिनिसो से. बहुत यूज़फुल चीज़ें ली हैं मैंने मिनिसो से, बहुत सारी चीज़ें थी. वैसे मुझे वीडियो बनाना था मिनिसो का, बट वहाँ पे जब मैं स्टोर में गई ना तो वो एक भैया आए और उन्होंने मुझे ऐसे मुंह पे मना कर दिया कि मैडम आप वीडियो नहीं बना सकती. सो मैं फिर भी चुपके चुपके थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना दी थी, वो मैं डालूंगी इंस्टा या यूट्यूब पे रील्स में या शॉर्ट्स में, तो आप लोग देख लेना. बट अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आपको बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली. देख दिस, लुक एट दिस. तो ये ना मैंने एक हफ्ते से लाके रखा है और मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा मन कर रहा है इसको कब रखूँ. सो ये मैंने, ये येलो कलर का प्लास्टिक बकेट है, टोकरी है या बास्केट, यस बास्केट. सो ये छोटा सा ऐसा क्यूट सा प्यारा सा बास्केट है यार, इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है. तो इसको बेसिकली मैंने लिया है अपने वॉशरूम में रखने के लिए. तो मेरी जो टूथपेस्ट फेस वॉश दुनिया भर की चीज़ें हैं ना, वहाँ पे स्टोरेज छोटा सा बना हुआ है, तो उस पर ना सब इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं. तो मैंने इसको इसके लिए लिया है कि मैं, प्लास्टिक है तो ये ख़राब भी नहीं होगा वॉशरूम में, और मैं इसको उस पर रखूँगी, देन मैं सारी चीज़ें इसके अंदर रखने वाली हूँ. सो
बहुत स्टडी है एंड बहुत प्यारा है, कलर इतना सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत प्यारा है यार, बहुत ज्यादा प्यारा है। एंड इसकी प्राइस, गेस द प्राइस, सो इसकी प्राइस थी 170 रुपीज की, 170 रुपए, 170 रुपए की इतनी प्यारी सी क्यूट सी चीज मिल रही है, क्या चाहिए तुमको। फर्स्ट, सेकेंड, दिख रहे हैं आपको, सो ये स्टोरेज का ये भी काम करेगा। इसको मैंने बेसिकली लिया है आप अपनी ज्वेलरीज के लिए, जो छोटी छोटी ज्वेलरीज होती है ना, जिनको मैं पहनती हूँ, निकालती हूँ और उठा के ऐसे किधर भी फेंक देती हूँ, फिर वो गुम हो जाता है, किसी का एक कान का मिलता है, किसी का दूसरे कान का गायब हो जाता है। सो मैंने बेसिकली इसको लिया है कि मैं कुछ पहनूं या फिर मैं कुछ यूज करूं तो इसके अंदर रख दूं, एटलीस्ट वो इसके अंदर ही पड़ा रहेगा। सो ये बहुत काम की चीज है, बहुत प्यारा सा वाइट कलर है एंड इसकी प्राइस थी 170 रुपीज। दिस इज ऑल्सो फॉर 170 रुपीज। कैन यू सी कितना रिजनेबल है और कितनी यूजफुल चीजें हैं। फिर वहां से ना आप घर में यूज करने वाली चीजें बहुत सारी ले सकते हो। दिस इज अ पाउच बैग, सो ये तो मुझे बाहर भी मिल सकता था, बट देखो इसमें हवा भर के रखा है। तो ये प्यारा सा पाउच बैग है, मेरे पास एक पाउच ऑलरेडी है जिसमें मैंने अपने मेकअप के सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। जो मैं बैग ऑफिस लेके जाती हूँ उसमें मेरे पास एक भी पाउच नहीं है। सो मुझे ये लेना था एंड मुझे वहाँ पे दिखा ये ब्लैक कलर का, इसके ऊपर जो ये टेक्सचर में फैब्रिक है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट दिस इज लुकिंग वेरी नाइस एंड इट हैज दिस पर्ल जिप, काफी जिप इसकी काफी अच्छी है एंड इसकी प्राइस थी 300 रुपीज। अंदर काफी स्टोरेज है, इतना ज्यादा ओपन होता है ये, काफी सारी चीजें आ जाएंगी। वैसे भी ऑफिस के बैग में मुझे क्या ही रखना है, थोड़ा लिपस्टिक और काजल, हैंड क्रीम या फिर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रखनी है। सो मेरे लिए काफ़ी हैंडी होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, चलने वाला है, काफ़ी क्या बोल रही हूँ मैं, क्यूट। कैमरा हिल गया, बाल कैसे लग रहे हैं आपको। ये लास्ट है, ये है चार चीज़ें और बिल इतना लंबा दिया है। इसमें भी देखो, गिन के तीन चीजें लिए और इतना लंबा बिल है। कॉटन पैड, मेरे इसके पहले भी मैंने मीशो से कॉटन पैड्स लिए थे एंड बहुत अच्छे हैं यार ये, देखो ना 160 पीसेस मिलते हैं आपको 170 रुपए में। ठीक है, जितनी सारी चीजें हैं सब 170 रुपए की हैं। एक साल पहले आई थिंक मैंने एक लिया था, वो अभी तक चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मुझे उसको रीफिल करना था तो मैंने ये ले लिया वहाँ से। प्यारा प्यारा सॉफ्ट कॉटन पैड्स है, आप मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वैसे भी आपको कुछ ऐसा वाइप करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक सब ख़त्म हो गया है, वीडियो इज़ ओवर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड वन मोर थिंग कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी मिंत्रा हॉल बनाया था इसके पहले, तो उस पर मुझे अच्छा खासा प्यार दिया आप लोग ने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाय बाय।